हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 16 मार्च का शिफ्ट 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो कृपया करके उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग नया वीडियो डालेंगे आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर CHSL का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि 74 अमेंडमेंट जो है वो किस पार्ट में है। तो वो 9th ए में है, और म्युनिसिपैलिटीज़ ये 74 अमेंडमेंट उसी के लिए है। और देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 74 अमेंडमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1992 में, और ये कौन से आर्टिकल में है। तो 243P टू 243JG, ठीक है, इसमें है। ये कौन सा शेड्यूल में है, 12th शेड्यूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रोड इन इंडिया टिल 2022। ये करेंट का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 83677 किलोमीटर। वन क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता क्या है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही आता है, उसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। और ये डिस्प्यूट सेटल करता है स्टेट, और एडवाइजरी ओपिनियन देता है किसी भी दो स्टेट या दो कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट का काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका लोकेशन देख लीजिए, हेड क्वार्टर, ये कब फॉर्म हुआ था, 26 जनवरी 1945, ठीक है, इस्टीमेटेड 1945, नंबर ऑफ पोजिशन 15, इसका करेंटलीज क्या है। और देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ये है, अभी तक नहीं पूछा है, अगले में पूछ सकता है कि इंडिया को, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन है। तो दलवीर भंडारी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी इफ हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ और मास बराबर 50 kg दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये केजी में है और ये सेंटीमीटर है। पहले हाइट को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 को 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास कितना दिया हुआ, 50, 9.8 × 0.1। देखिए, ये लगातार पोटेंशियल एनर्जी पर तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है, ना ही फार्मूला चेंज हुआ है और ना ही कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहला वीडियो जो हम बनाए थे उसी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बता दिए थे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर बार, बस केवल वैल्यू को चेंज किया जा रहा है। तो आप लोग फार्मूला देख लीजिए, उसी में करंट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½mv², ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं पूरे अच्छी तरह से। तो अगर आप नहीं देखें तो पीछे जाकर एक बार देख लीजिए। विच मिनिस्ट्री रिलीज इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिलीज करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के तरफ से रिलीज किया जाता है। ये हर साल पार्लियामेंट में रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू द इमरजेंसी। ये इमरजेंसी से चौथी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है, आज का क्वेश्चन तो एग्जैक्ट पता नहीं चला, मगर इमरजेंसी तीन तरह का होता है, 352, 356 और 360, स्टेट, नेशन या फाइनेंशियल। तो इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड गोल्डन लैंड। म्यांमार, म्यांमार से ये ऑलमोस्ट 6ठा या 7वां क्वेश्चन है CHSL 2018 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कि नेबरिंग कंट्री कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है। तो टोटल 5-6 नेबरिंग कंट्री है, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। और म्यांमार के बारे में पीछे के वीडियो में पीछे का जो क्वेश्चन आया हुआ उसको हम डिस्कस किए हैं, और उससे सारा रिलेटेड फैक्ट्स पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यूनियन बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन है, एनुअल फाइनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो आर्टिकल 112 में होता है यूनियन बजट का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनिमोमीटर। फर्स्ट कंट्री टू लीव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बुरुंडी है।
अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है ये। और देखिए इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, देखिए आज अभी ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ICC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड में, कौन सा जगह में, हेग्यू में। इसका प्रेसिडेंट देख लीजिए, फाउंडर देख लीजिए और कितने मेंबर हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन है या ये कब फॉर्म हुआ था। तो 17 जुलाई 1998 को। अब देखिए हम लोग बुरुंडी कंट्री के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि यदि कंट्री आज आया है तो हो सकता है इससे कुछ फैक्ट है जो कि बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए ये बुरुंडी का फ्लैग है, इसका कैपिटल देख लीजिए, और जो कैपिटल है बुजुम्बुरा, ये बुजुम्बुरा जो है ये कैपिटल है और ये लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। इसका फ्रेंच, इंग्लिश, कुरुंडी ये इसका लैंग्वेज है। देखिए बुरुंडी को ऑफिशियल ऑफ द रिपब्लिक बुरुंडी इज लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका, और ये अफ्रीका नेशन में लैंडलॉक कंट्री, मतलब कि इसके चारों तरफ कोई ना कोई कंट्री है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बुरुंडी के लिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 का जो रैंक आया था उसमें बुरुंडी जो था वो सबसे लास्ट नेशन था, 156 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है CHSL में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन क्वेश्चन फ्रॉम द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये तो नहीं पता है 2017 में, मगर उससे सारा जितना भी अवार्ड है वो सारा हम प्रोवाइड करा दिए हैं। अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, फिल्म और टेलीविजन के लिए, प्रेजेंटेड बाय हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन इन 1943 सबसे पहली बार। कंट्री कौन देता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2017 का जितने भी विनर हैं ये सबका लिस्ट है, जैसे कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, स्क्रीन प्ले के लिए सपोर्टिंग एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट ड्रामा पिक्चर्स, ये सारे को देख लीजिए। क्योंकि अगर एक से क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन इसमें से आ चुका है, तो 110% चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आज पूछा गया कि चीफ जस्टिस का सैलरी क्या है, तो 2.8 लाख पर मंथ है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और देख लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका 2.5 लाख है, और अलाउंस भी मिलता है, और सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज जो है जज का वो 2.5 लाख है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से ये पांचवा या छठवा क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान हम पीछे के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये भी क्वेश्चन कल ही आया था, कल क्वेश्चन ये आया था कि फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर, फिर रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को, तो रोनाल्डो पोर्टुगीज फुटबॉल, इसको भी हम पीछे के वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। विच इज मेड ऑफ द स्मोक एंड स्मोग। स्मोग ये SSC का पुराना क्वेश्चन है। म्यांमार इज इन विच पार्ट ऑफ द एशिया, साउथ ईस्ट, ये 7वीं बार म्यांमार पर क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक जितना भी पेपर हो उसमें म्यांमार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सह्याद्री रेंज इज नोन एज वेस्टर्न घाट, तो जी ये इंडिया का मैप है, तो ये जो पार्ट है ना इसको सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 15 to 40 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए थे, एटी बराबर चेंज इन द वेलोसिटी बाई चेंज इन द टाइम। तो वेलोसिटी देखिए इसका फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि चेंज इन द वेलोसिटी क्या है, 40 से 15 चेंज कीजिए तो ये कितना हो गया, 40 माइनस 15, और टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 25/2, 12.5। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए एक्सलरेशन का, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट में आपको डाटा को चेंज करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा कंट्री, जो वर्ल्ड फ्लोटिंग हो रहा है मतलब कि वो तैर रहा है, तो वो है चाइना। ये 2000 जून 2017 का क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए तो आज एक और क्वेश्चन आया है जो जिला पास से, जम्मू कश्मीर में है, तो ये पता चल गया कि अब पास से भी क्वेश्चन आने चालू हो गया है। तो सारे पास देख लीजिए,
ये जम्मू कश्मीर का तीन इम्पोर्टेंट पास है जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रुजिला पास आ चुका है अभी तक, बिला फोंड पा ला, और देखिए जितना भी ला से कोई भी ला जिसके आखिरी में ला आता हो वो जम्मू एंड कश्मीर से ही होगा, ऑलमोस्ट 90%। बनिहाल पास ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, तो ये तीनों देख लीजिए जम्मू कश्मीर का है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, तो ये शहनाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इपिडर्मियल सेल प्रोड्यूस वैक्सी वाटर, तो एरियल पार्ट, ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी से पिछले मीन्स पिछले डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मेनी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इसराइल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में इंडिया और इसराइल के बीच में कितना एग्रीमेंट हुआ था, तो ये हुआ था 7 चीज़ पे, ठीक है। इंडिया एंड इसराइल हैज बीन साइन 7 एग्रीमेंट ऑन द एरियाज इंक्लूडिंग स्पेस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये सब हुआ था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इसराइल, जब वो प्रधानमंत्री गए थे इसराइल में। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये तो 2017 का हो गया, 2018 में क्या हुआ, 15 जनवरी 2018 को जब बेंजिन नेथ्यू जब दिल्ली आए थे तो उस समय इंडिया और इसराइल का साइन हुआ था कितना एग्रीमेंट, 9 एग्रीमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि 2017 में इंडिया इसराइल का 7 एग्रीमेंट हुआ था जब प्रधानमंत्री उन लोग के देश में गए थे इसराइल में, और जब इसराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो हम लोग 9 एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो अगर ये पूछ दिया तो ये भी पूछा जा सकता है। एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड 2017 फॉर द बेस्ट मूवी का ये क्वेश्चन है, तो बेस्ट मूवी के लिए किसको मिला है ये हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए ये 4 मार्च 2018 को, अभी इस साल हुआ है, इस साल का अवार्ड 4 मार्च 2018 को हुआ है। जिमी ये होस्ट थे, कंट्री यूएसए में होता है, प्रेजेंटेड बाय एकेडमी मोशन पिक्चर। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 16 मई 1929, 88 ईयर्स अगो विनर्स, ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्वेश्चन का, जो आज क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्कर अवार्ड फॉर 2017 बेस्ट मूवी। तो देखिए 2017 का बेस्ट मूवी का ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर मूनलाइट था, ठीक है, तो ये आंसर हो गया उसका। और ये टोटल 2018 का दे दिए, बेस्ट पिक्चर द शेप ऑफ वाटर। इस साल एक चीज़ याद रखिए कि द शेप ऑफ वाटर जो है उसको ऑस्कर भी 4-5 मिला है, जितने भी अवार्ड ऑलमोस्ट हुए द शेप ऑफ वाटर मूवी को, सब में ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड मिला है, तो बेस्ट शेप ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट मूवी है इस साल के लिए, ठीक है। तो 2017 का भी देख लीजिएगा, बेस्ट पिक्चर पूछ दिया था, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, इसका भी देख लीजिएगा। बेस्ट एक्टर 18 का भी, क्योंकि 17 से पूछ रहा था 18 से भी पूछ सकता है, इसलिए कि ये जनवरी में ही हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पावर व्हेन वर्क एंड टाइम आर गिवेन, तो देखिए पावर निकालने के लिए वर्क वेट एंड ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो कुछ जब ये आपको फार्मूला याद होगा तो आप बस वैल्यू पुटिंग आ रहा है आज के डेट में आप उससे कर सकते हो। और पावर के लिए वर्क एंड टाइम के साथ वर्क का भी देख लो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, पावर बराबर, पावर का एक और हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। हो सकता है कि फोर्स दे दिया जाए, डिस्टेंस दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए और पावर निकालने के लिए बोला जाए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट विच टचेज मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ अदर स्टेट्स, तो ये इंडिया में उत्तर प्रदेश है, ये 9 स्टेट को टच करता है, ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट किंग ऑफ पालवा डायनेस्टी सिम्हा विष्णु, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख मतलब कि देख लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि इसमें से 30 या 40% क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस IRDF का फुल फॉर्म, उसमें आर किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, तो IRDF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, आर स्टैंड फॉर रूरल, ठीक है। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 75th एनिवर्सरी मनाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, उसका स्लोगन क्या था, संकल्प से सिद्धि, द अटेनमेंट थ्रू द रिजॉल्व।
मतलब उसका स्लोगन था संकल्प से सिद्धि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आया प्लांट में कि ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ था, तो इस उसका आंसर तो ऑल ऑफ द एबव हुआ है। ये देख लीजिए कि ट्रांसपिरेशन में होता क्या है। ट्रांसपिरेशन में होता है कि प्लांट जो होता है ऑब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को, और उसको रूट से ऑब्जॉर्ब करके वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट में भेजता है। मतलब रूट से उसको टहनियों में या फिर पत्तों में भेजता है, सारे पूरे प्लांट में। और एक और ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ठीक है। व्हाट इज द स्लोगन फॉर वर्ल्ड एड्स डे? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया है। इससे पहले वाले में, पहले टू मतलब मीन्स ये क्वेश्चन ये CHSL 2018 में ही पूछा गया है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। इसका ईयर भी देख लीजिए, 1988 से मनाया जा रहा है। आप उसका स्लोगन पूछ दिया, द राइट टू हेल्थ इसका इस साल का स्लोगन है, तो हो सकता है कि अगले बार पूछे कि ये किस साल से मनाया जा रहा है, तो 1988 से ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा इन 2018 टू सन इज पार्कर सोलर प्रोब, ये दिसंबर 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 15। ये जितना भी हम लोग का पार्ट है, 24 पार्ट अभी फिलहाल में 24 पार्ट है, आपको 2400 पार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक या दो पार्ट पूछा ही पूछा जा रहा है। पिछले 4 या 5 दिन से देख रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में पार्ट का क्वेश्चन आ रहा है कि ये पार्ट किससे रिलेटेड है, ये पार्ट किससे रिलेटेड है, तो आपको पार्ट पढ़ लेना चाहिए। लार्जर पॉपुलेशन सिटी ऑफ चाइना, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिटी ऑफ चाइना कौन है? शंघाई है, वो 2.43 करोड़। इसके बाद बांग्लादेश में शायद ढाका है सेकेंड सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यामिनी कृष्ण मूर्ति थी ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थी? तो ये भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी से रिलेटेड थी। इनका जन्म जो हुआ था 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनको पद्म विभूषण संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर डांस मिल चुका है भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आया था आज का कि रिचर्ड थेलर जो है अवार्डेड द नोबल प्राइज इन, रिचर्ड थेलर को किस चीज में नोबल प्राइज मिला है? तो वो इकोनॉमिक साइंस में मिला है। और इस साल के जितने भी अवार्डी हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, इस साल अभी ये पूछा गया है इस आज के एग्जाम में रिचर्ड थेलर, तो हो सकता है आप लोग से पीस के लिए पूछ दे कि पीस के लिए किसको मिला है, तो इंटरनेशनल कैंपेन टू एब्जॉर्ब न्यूक्लियर वेपन। तो ये सारा का सारा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया और पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है या फिजिक्स के लिए किसको मिला है, तो ये सारे नाम आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट शिफ्ट्स के लिए। द एंगल मेड बाय द अर्थ इन 1 आवर, तो ये 15 डिग्री होता है। देखिए 360 डिग्री घूमता है 24 घंटा में, ये 15 डिग्री के बराबर होगा 1 घंटा। क्वेश्चन रिलेटेड टू द मार्जिन बॉर्डर स्पेसिंग, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूरा पता नहीं चला कि ये किस चीज़ से पूछ रहा है, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, बस इतना पता चला है कि मार्जिन बॉर्डर स्पेसिंग से एक क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, पहला ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन था? तो मद्रास लेबर यूनियन, ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो बीपी वाडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन टू बी सेट अप, वो कौन सा पहला ट्रेड, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, यहाँ पर है फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन टू बी सेट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। इंडो पाक एंड इंडो चाइना अफेक्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में 1962 में चाइना से लड़ाई हुआ था, उसके 2 साल बाद फिर पाकिस्तान से हो गया था, वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। तो देखिए 5 ईयर प्लान से भी ये तीन तीन चार बार क्वेश्चन 5 बार आ चुका है अभी तक, तो आप लोग 5 ईयर प्लान को एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा,
हम पीछे वीडियो में ये डिस्कस किए हैं 5 ईयर प्लान। केमिकल सिग्नल सेंड टू द बॉडी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल सिग्नल किस पार्ट से भेजा जाता है, तो ये किस फॉर्म में भेजा जाता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो भेजता है। ये इसको देख लीजिए, ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या करता है ना कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है और ये न्यूक्लियस में भेजता है। और न्यूक्लियस से क्या होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज करता है और उसको इम्पल्स बनाकर एक्सोन के थ्रू डेंड्राइट्स में भेज देता है, और यहाँ से फिर वो चला जाता है सिनेपेटिक टर्मिनल्स में। इसके लिए आपको पूरा बायोलॉजी का सेशन हम डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।